ओपन कैमरा Yeah.
वाला
नजवे कासिम तू ए नूरी नूरी चेहरे वाले वाले ए नूरी नूरी चेहरे वाले बस दीद करा है गवारी तू सज दे सर चुक ले अरबिया तू सज दे सर चुक ले अल्लाह पिया कव यार नो आज तै तो नहीं नकारी तू सज दे सर चुक ले अरबिया तू सज दे सर चुक ले डोलिया तू सज दे सर चुक ले असक मुर्शिद जा मिलिया असक ना है असक शफी सही जा मिलिया जय तोड़ निभावना है जय तोड़ निभावना है अत लगिया निभावना है जे शफी असक कबर अंदर भी अशफ सही छुड़वावड़ा है असक मुर्शिद जा मिलिया जै तोड़ निभावड़ा है असक शफी सही जा मिलिया जै तोड़ निभावड़ा है और हर मुरीद की ख्वाहिश होंगी है कि जिस वेले कबर के अंदर मैं वंजा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत थी वे और हूं कुन बाद अपने मुर्शिद की भी ज़ियारत थी वे तो जिस वेले मुरीद कबर के अंदर वेंदे तो अपना मुर्शिद इंतजार के अंदर बैठा होंदे तजना कबर अंदर दाखिल थी सो जुनेशा साहब जडा कबर अंदर दाखिल थी सो आना कीर सवाल करे से आना कीर सवाल करे से आना कीर सवाल करे से बल असा उठा शफी सईदा ओना जा दिखलावना है उत्थां शफी सईदा ओ ना जा दिखलावना है असा मुर्शिद जा मिलिया जै तोड़ निभावना है असा शफी सही जा मिलिया जै तोड़ निभावना है जिते मोर बख्शिश चाहती आदर महवन शफी सईदे जित है मोर बख्शिश चाहती
शफी सईद आदर बहवन शफी सईद आदर बहवन शफी सईद वल असकु महशर अंदर भी जेंजे ने अकीदा है के महशर वाले दिन असरा मुर्शिद नाल हो से उवा के सुभान अल्लाह असकु महशर अंदर भी अशफ से छुड़वावना है असकु महशर अंदर भी अशफ से छुड़वावना है असा को मुर्शिद हैं जा मिलिया जै तोड़ निभावना है असा को शफी सही हैं जा मिलिया जै तोड़ निभावना सारे थोड़ा थोड़ा अगो तो नाथ खान तो बाद सलीम कयूम नाथ खान भी पर्सन उस तो बाद कवाल हजरा तशरीफ गिन वो भी पर्सन ए जश्न ईद मिलादुल नबी का सिलसिला उर्स मुबारक हजर से नबी शाह से ना सारे दोस्त सरकार दी जात ते हिम्मत ते दरूद पाक दे नजराना पेश कर सकते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सना खानी दे विच मेरी इक तबीयत है कि मौला अली दे कसीदा ते मौला हुसैन दी शान दा कि मिसरा अगर मैं ना पढ़ा तो मेरे को सुकून नहीं होता एक बंदा के प्या शाह साहब तुसा अहले बैत दी तारीफ बड़ी करे दो मैं के हमेशा हलाली पुत्रों दे जरा वालिदैन दी ज्यादा एहतराम करे या उन्हें तारीफ करे सारे दोस्त सरकार दी जात ते मेरे ते दरूद पाक दे नजराना पेश कर सकते पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लम सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाँ सरदार जो होयो दो जगदा हाँ सरदार जो होयो दो जगदा नौकर कुल कैनाते सरदार जो होयो दो जगदा तेरी नौकर कुल कैनाते तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैदा तेरे कहने ते हों
रातें तेरे कहने ते सूरज मुड़ पैदा गा तेरे कहने ते होंदी यार पिज़ाओं को कम से कम सुभाना दे पड़ो चाह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान बहावलपुर तक मुख्तलिफ इलाके जो मनाली साहब नसीब थी लेकिन बड़े बेस लोगों बार बार तो रिकॉर्ड छुटे चुनना बार बार तो भी इल्तजा करना कि यार कम से कम सुभाना दे पड़ो चाह उच्चा को सुभान अल्लाह मैं अपनी तारीफ नहीं करने रखना सरकार की तारीफ करने रखना उच्चा को सुभान अल्लाह जरा झूम दिया को सुभान अल्लाह अशाश बशाश सीधे खुश थी जो कम अज़ कम सुनो उच्चा को सुभान अल्लाह हाँ हसनैन को फूल जहरा को कली लिखता रहा हूँ इस कूचे को जन्नती की गली लिखता रहा हूँ चूमा है फरिश्तों ने इसे हाथ को हाकिम जिस हाथ से मगर मुस्तफा की हकूमत रहेगी है जितने भी किसे सभी खत्म होंगे मोहम्मद की ऐसी शोहरत रहेगी है जितने भी किसे सभी खत्म होंगे मोहम्मद की ऐसी शोरत रहेगी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सारे मेहमान खसूसी सरदार अरसलान त्रिशक से तशरीफ गए खुशी खुश आमदी तक इन पे वन ताकि मजा आए फुल सर दोस्त रहे ना रहे चांद तारों की जिल मिल मगर मुस्तफा की हकूमत रहेगी है जितने भी किसे सभी खत्म होंगे मोहम्मद की ऐसी शोहरत रहेगी जो नाम इसको हर दम लगाए तो दावा है उस आदमी की बसारत तो दावा है उस आदमी की बसारत कसम है खुदा की सलामत रहेगी कहा इब्ने करूं अली पिता तुझको बेटा कि जब तक तेरी देर करता रहूंगा तो नाना की होती ज़ियारत रहेगी कि जब तक तेरी दीद करता रहूंगा तो नाना की होती ज़ियारत रहेगी है जितने भी से सभी खत्म हो गए मोहम्मद की ऐसी
शोहरत रह गए मौला इन निशान दे चंद मिसरे पेश कर सा सारे दोस्तों को मैं अर्ज कर सके क्योंकि एक अदब की महफिल है अदब को मलहूज रखो बिना में मौला खुदा के लिए खुदा वास्ते सारे दोस्त शी फरमाती हो अल्लाह तो जजाए खैर देवे एक आशिक रसूल दा मौत दा जने वक्त दे सामने मौत को सामने रखते आदे मेरे कफन दे उते एक लफ्ज लिख दिया मदीना मदीना में बका ऊंचा को सुभान अल्लाह शहर ने कहा उठा हुजूर की मोहब्बत शहर ने क्या लिखे लिख देना मदीना कोई तदबीर न कहे साडा मौला अली नाल प्यारे अली जात नाल प्यारे सारे कोई चाहो सुभान अल्लाह साडा मौला अली नाल प्यारे जेड़ा जनता दा सरदार है जेड़ा बुढ़िया बेड़िया तारे साडा पीर अली साडा पीर अली साडा पीर अली सदा पीर अली अली काबे दे अली काबे दे अली काबे दे विच जमिया है वन पाक नबी ने जाया वलकी दी ज़ियारत चेहरे दी दूजा पढ़ के कुरान सुनाया मेरी गल दा
करे तबारे अली बलियां दा सरदारे जेड़ा बुढ़िया बेड़ियां तारे जेड़ा नाली अली नाल बुग़ज़ रखे ओ बंदा नहीं बेईमाने ओ जन्नत विच नहीं जा सकदा ओ तो सकदा सामाने मेरी गल दा कर एतबारे अली वलियां दा सरदारे जेड़ा बुढ़ियां बेड़ियां तारे आखिर मौलाना हुसैन की शान का एक मिसरा पेश कर ऊंचा को मुझे बाद इजाजत ऊंचा को सुभान अल्लाह मौलाना हुसैन ने कहा कि तुसा करे तीर तलवार ढाले मेरी करे अली असगर की जात है क्या मौलाना हुसैन ने फरमाए मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई हे हम शीर जैन ते अम्मा बतूले फरमाइशी में पेश कर सूफी की जाने मेरा की वकारे मैनू जानदा मेरा परवरदिगारे ने मंजूर मैनू ए बैते यजीदी ए सारा कभी गिला आखिरी कलाम तेरे सामने पेश कर सन दुरूद पाक दे सामने पेश कर सन सड़नगे दो जख बिच जाके एदे बच्चियां तो जेड़े सड़दे ने ओही सड़नगे दो जख बिच जाके एदे बच्चियां तो जेड़े सड़दे ने कुछ सियाल दे नाल भी लड़ देने फिर सलाम ते घर जाके सियाल दे नाल भी लड़ देने तेरी कदर अदब तू है जिब इजरील कोलों
जेड़े पुछ पुछ वे वड़ देने सिख अदब तू इजरील कोलो जेड़े पुछ पुछ वे वड़ देने ताजीम जिन्होंने नहीं की थी ओना हाकिम नीति के नहीं नीति कि न दुख है खुदी शैतान बन के इल्जाम शैतान ते बन देने السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برادران ملت اسلامیہ کہ آج کا پروگرام ایک کو عنوان ہے انگریز دائی گلاب دے استاد سے بیٹھے یعنی کو پروگرام ہے یہ میلاد کی محفل بھی ہے اور اس کا پروگرام ہے دو پروگرام یعنی سادہ تے دارائیں یعنی دو ساتھاں سا کو حاصل تھی میلاد جا برکتاں ساتھاں بھی حاصل کرنے نسا اور ولی کامل دے ساتھاں تے برکتاں اور رحمتاں او بھی ساری ٹولی وچ چھما چھم برسے ات واسطے اج سعادت دی گھڑی ہے ول سعادت ایزام سعادت ایزام برکت ہی برکت اعلیٰ حضرت سے فرمیندے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو بھی اے نے نور تیرا سب گھرانا نور ایتھوں سے میں دیدا بیٹھا ماشاءاللہ سارے محترم عقیدت مندی سارے انتہائی دل وچھا کے سارے تشریف فرمائی میں میں محبت بھرا نعرہ سنا چاہ کیونکہ جمع غفیر میں کو لسٹ بہت وڈی دتی گئی ہے علماء کرام دی خطبا حضرات دی جڑے سٹیج دے اوپر ہوشن ਇਵੇਂ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਥੀ ਵਜੇ ਬਰਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਇਹ ਜਟਾਕਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ سجاد فضا چ لہرا کے جیلے نعرہ رسالت نبی جے دو ہاتھ فضا وچ لہرا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے نال محبت مودت عقیدت دا ثبوت مہیا کرو ات واسطے جیں دے سینے صاف ہیں بازو تناور ہیں صحت مند ہیں او چامن ہاتھ جڑے کمزور ہیں یا انہاں دا ایمان ہی کمزور ہے انہاں چاہن بے شک انہاں دی مجبوری ہے جڑے صحت مند ہیں معذور نہیں او ہاتھ چاہ کے زور دا سینے دا زور لا کے جڑا کچھ حاصل کرنے اج حاصل کر کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ہی والے کو تھوڑا جا مدید بلند کر تو رنگ لگ وچ کیونکہ میں جلے آیا ہوں تے بہت سارے احباب اہل داران کھڑے ہیں جو ہی پروگرام شروع تھی سی اساں حاضری ونے سو او بھی آوے سن ماشاءاللہ چنگے چنگے لوگ سینئر لوگ ہی آ گئے پہلوان صاحب بھی آ گئے نعرہ تکبیر زندہ باد ہاتھ چا کے نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت زندہ باد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے تو بنا دیتا ہے نام محمد
बल्कि मैं तो ईद आदर आना एक मुस्तफा का नाम है नाम खुदा के बाद और जिस कदर भी नाम है सब मुस्तफा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद मैं ये तशरीफ फरमा है जेरे स्टेज के मैं मुझे लिस्ट दी गई है फख्र सादात पीर सैयद जकी शाह साहब रजवी अल मारूफ चंद पीर सरकार मौजूदा सज्जादा नशीन और सैयद अली नकी शाह साहब साहबजादा पीर सैयद जुनैद शफी शाह साहब मौजूदा सज्जादा नशीन दरबार शफी सरकार और सैयद समर बादशाह साहब सैयद बाकिर शाह साहब हजरत शफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे सज्जादगान हैं बहुत अजीम शख्सियत हैं माशाल्लाह तशरीफ फरमा हैं सारे अहबाब और वला हजरत सैयद नकी शाह साहब भी तशरीफ फरमा हैं उन्होंने फरजान या अर्जुमंद तशरीफ फरमाएं मेहमान ही तशरीफ फरमाएं वल उस्ताद ते उस्ताद थे ना सी वल मुजाहिद हफीज वला मुजाहिद देखो ना डबल अजमत दे निशान उन्होंने फरजान या अर्जुमंद दिए वल साडे चेयरमैन साहब बैठे मिलाद कमेटी दे साहबजादा अपना सेठ याकूब लगा साहब वल नाज़िम आला मिलाद कमेटी राणा मोहम्मद सलीम साहब कायम खानी वो भी तशरीफ फरमा हैं वल सहाफत बेताज बादशाह जनाब अब्दुल हजीब हमीद निकाणी साहब भी वल साडे मिलाद कमेटी के रूह रवान ते सेक्रेटरी नशो इशार साहबजादा अब्दुल कबीर तारिक साहब भी तशरीफ फरमा हैं और कमरो जमान साहब प्रोफेसर जिन्हें दियाज में नौ अकेडमी वो भी तशरीफ फरमाएं सारे को खुश आमदीद आदू बल मेरे दिल आले पासो आहा हा सुभान अल्लाह सैयद पीर तरीकत सैयद गजनफर अब्बास गजनफर आदन शेर को गजनफर कह को आदन मेरा दसो ना कह को आदन वो शेरे नाल खड़े करो गजन फरमा शाह साहब सैयद सफद आहा वो भी इको माना तीन वे सफदरी शेर को जरा शेर शीर फाड़ के रख रहे हो बदन सफदर ठीक है जरा दुश्मन को तबाह कर दे रहे टुकड़े टुकड़े कर वो बदन गजन फर गजन फर ते सफदर ते फर के जेरा दुश्मन को चीर फाड़ के रख रहे ओ पादन सफदर जेरा दुश्मन को असलो टोटे टोटे करे ओ पादन गजन फर सैयद बादशाह बैठे माशाल्लाह सारे वल मसन शाह साहब दरबार शरीफ है हजरत जामपुर दे विच बहुत बड़ा दरबार है जो वेंदे नु था हजरत मोहसिन शाह साहब उन्हें दा इसमें ग्रामी है वैसे मसन शाह साहब मशहूर है जपैन अच्छा माशाल्लाह क्योंकि मैं कोई ना तो इन्हें देश में ग्रामीण ना आंदा सरदरा सरदार अरसलान खान अल मारूफ चांद खान दरीशा खुश आमदीद सही खुश आमदीद आदू वल सैयद नई मौला सन शाह से भी तशरीफ फरमाएं मैं गुजारिश करना पे हजरत मसन शाह साहब रहमतुल्लाह उन्हें तो दरबार एक दस जामपुर उन्दे से ज्यादा नशे नहीं आए बैठे वही सैयद बादशाह सैयद हसन रजा बुखारी साहब माशाल्लाह इंतहाई खुशी की गाल वल सारे मस्जिद इमाम साहब भी आए बैठे कारी अब्दुल लतीफ साहब उन्हें एक मोहब्बत भरा नारा ते शाह साहब का खिताब ला जवाब इत तारफी नारा हूँ शाह साहब का खिताब खिताब को पहले भरपूर अंदाज नारा कितना शख्सियत आए वल बरकत नारा तकबीर हद बद के ना नौजवान बिलखसूस इन हद चा के जुरत ना कामयाबी थी सी इंशाल्लाह नारा तकबीर हद निगाह नारा तकबीर सीने का जोर ला के नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी फैजान औलिया फैजान सादात जारी रहेगा फैजान सादात फैजान औलिया सैयद नईम उल हसन शाह साहब दामत बरकात आलिया किताब लाजवाब फरमेशन तवज्जो दे नाल समात करे सो इतहाई स्कॉलर आदमी है पढ़ी लिखी शख्सियत है कुछ देसन अगर कोई घिनन चाहंदे कोई हासिल करना चाहंदे झोली फैला के पास हो दिल खोल के पास हो दिमाग की तख्ती को खोल के रखे सलेट को मेट के रखे सो इंशाल्लाह बहुत कुछ हासिल कर सकते नहीं मोहल्ला समझ
इजाजत जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला के बातो लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमंतु बिल्लाहि सदकल्लाहु मौलाना लजीम कालल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद बुरहानिल हमीद फी शानि हबीबिही मुखबिर मा अमीरा إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما कोई भी जुबान खामोश न रहे बुलंद आवाज के साथ करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक्दस में झूम झूम के दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बलगलुला बिकमाले ही कशफत जा बिजमाले ही हसनत जमियों के साले ही सल्लू अलैहि व आलिहि व असहाबिही खुदाया पाक के बनी फातिमा की बरकौले ईमान गुनी खातिमा अगर तावतम रत गुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। सबसे पहले आज की ये खूबसूरत ईमान अफरोज महफिल जो सिलसिलाए उर्से मुबारक हमारे जद्दे अमजद हजरत पीर सैयद नबी बख्शा साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर सैयद मोहम्मद शफी शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके उस मुबारक की ये तकरीब बासईद मुनक़िद है। दुआ करते हैं अल्लाह के दुआलम की बारगाह में के मालिक ज़ुलजलाल अपने प्यारे महबूब के तवस्सल के साथ आज की ये महफिल अपनी बारगाह लमयज़ल में कबूल मकबूल फरमाए। मुझसे कबल सादात उज़्ज़म का तआरुफ़ अलामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करवा दिया। मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि आज की इस स्टेज की जीनत हजरत पीर सैयद मौजदीन शाह अल मारूफ पीर नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह आपकी औलाद स्टेज की जीनत हैं और जितने भी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं इन चेहरों को मैं तो नहीं जानता लेकिन ये बात मुसद्दका हकीकत है कि जिस आका की महफिल सजा के बैठे हैं वो आका हमारे नाम भी जानते हैं हमारे काम भी जानते हैं। मैं एक आपको बात बताऊं मैं पंजाब से आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हजूर के जिक्र का सदका है कि मैं तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ ये हजूर का जिक्र ऐसा जिक्र है कि जिसका नवासा नेजे की नोक पे चुप नहीं रहा था उस नवासे का ये आलम है उसके उसके नाने के जिक्र का क्या आलम है। नहीं जरा बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। और ये महफिल उसकी तकरीब है उसकी महफिल है और ये बात पल्ले बांध लें कि जब कोई औलिया के साथ टकराता है औलिया की महाफिलों को बंद करने की कोशिश करता है औलियाए कराम के उर्स मुबारक या उनकी किसी महाफिल के अंदर किसी किस्म की कोई शर फैलाने की कोशिश करता है फिर उसका बदला इंसान नहीं लेता बल्कि खुद खुदा लेता है। आप कहेंगे कैसे? बाबा शेख साथी रहमतुल्लाह अलैह सैयद दिनेश साहब बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। बाबा शेख साथी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी हकायत के अंदर लिखते हैं कि एक मर्तबा एक दीवाना
एक रब का प्यारा अपनी मस्ती में बाजार से गुजर रहा था। एक हाके में वक्त एक वक्त का बादशाह अपनी महबूबा के साथ चहलकदमी कर रहा था कि अचानक उस बुजुर्ग की उस दीवाने का पांव कीचड़ में लगा और वो कीचड़ के जो कतरे उठे छींटे उठे बादशाह की उस महबूबा के कपड़ों पे जाके लगे, कपड़े हो गए खराब। अब बादशाह को आया गुस्सा, बादशाह ने थप्पड़ उठा के उस दीवाने को मार दिया। अब दीवाना था, उसने गाल पे हाथ रखा, इसे आसमान की तरफ देखा, चलता रहा चलता रहा। बादशाह वापस पलटा तो किसी ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आपके महल को आग लग गई है। बादशाह सलामत, आपके महल को आग लगी। अब बादशाह ने सोचा कि मैंने उस बुजुर्ग को, उस बाबे को थप्पड़ मारा था तो बाबे ने दी है मुझे बद्दुआ, तो ये उस बद्दुआ का रिएक्शन है, बद्दुआ का असर है जिसकी वजह से मेरे महल को आग लग गई। बादशाह वहां से दौड़ा, दौड़ता हुआ एक जगह पे पहुंचा, देखता है वो बाबा बैठे अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ के बैठा है, रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा है, रब्बे करीम उसे माफ कर दे, वो मुझे नहीं जानता। बादशाह पांव में गिरा, गिर के कहता है कि एक थप्पड़ का तूने इतना बदला लिया है, इतनी बद्दुआ दी है। तो बाबा उठा मुस्कुरा के कहता है मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, तो देखा मेरे महल को आग कैसे लगी। तो बादशाह को वो बुजुर्ग कहता है तू आशिकों की लड़ाई थी, तुम आशिक थे, तुम्हारे महबूब की गुस्ताखी हुई, तुमने मुझसे बदला ले लिया, मैं रब का महबूब था, जब रब को गुस्सा आया तो रब ने तुमसे बचा। सैयदी मुर्शदी गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में जो हो इश्क मुस्तफा। अल्लाह अकबर, अब तवज्जो कीजिएगा। तो बादशाह को वो फकीर, वो दरवेश, जितने भी मेहमान आए हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। जरा बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। ये इतनी पंजाबी में कहो ढिली सुभान अल्लाह, मैंने नहीं चाहिए बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। तो हाके में वक्त को एक बुजुर्ग पैगाम दे गया, एक दुनिया को पैगाम दे गया। वो बुजुर्ग कहता है कि जब अल्लाह वालों से टक्कर ली जाती है ना, जब अल्लाह वालों से दुश्मनी कमाई जाती है ना, जब अल्लाह वालों के साथ किसी किस्म का कोई तनाजा पैदा किया जाता है तो फिर वो अल्लाह वाले खुद बदला नहीं लेते बल्कि खुद रब बदला लेता है। और ये अल्लाह वालों की बात करके मैं दो ही बातें करके इजाजत चाहूंगा। अल्लाह अकबर, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज हैं, सहाबा करीम आका अलैहिस्सलाम के मैयत में आके बैठे। करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, आओ तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाएं। करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करेगा, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, स्टेज की जीनत है, जो शख्स किसी ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत करेगा कि वो शख्स अल्लाह वाला होगा, वो रब का प्यारा बंदा होगा, तो करीम आकर इरशाद फरमाते हैं कि बेशक उसने उस शख्स को देखा है कि नहीं देखा, उसने उसका जमाना पाया है कि नहीं पाया, लेकिन कयामत का दिन होगा जिस बंदे से तुम इसलिए मोहब्बत करोगे कि वो अल्लाह वाला होगा, कयामत वाले दिन उसका हाथ अल्लाह वाले का। तो मैं इस बात को ऐसे ना करूं कि आज ये जो उर्स की महफिल है, हम में से किसी बंदे ने पीर नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा हुआ, तो कयामत का दिन होगा कि जिस अल्लाह वाले से हम प्यार करते हैं ना, तो
कयामत का दिन होगा हम उसी अल्लाह वाले के साथ होंगे, हम उसी पीर नबी शाह के साथ होंगे, हम उसी तरह पीर शफी शाह के हाथ में होंगे। देखेगी कि ये कौन जा रहे हैं तो फरिश्ते कहेंगे कि तुम नहीं जानते ये दुनिया में रह के अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करते थे। और ये अल्लाह वालों की बात करके मुझे मेरा टाइम बहुत कम रह गया है, मैं सिर्फ एक ही बात करनी है, जैसा चाहूंगा हजरत गिरामी करीम आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके आते हैं, आका नमाज अदा करवाते हैं, जमात करवाते हैं, आका घर तशरीफ लेके चले जाते हैं। ऐसे एक सच्ची सच्ची बात बताने, मेरी बात की समझ आ रही है? आ रही है तो कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आका आते हैं मस्जिद में, नमाज अदा करवाते हैं, वापस अपने हुजरे में चले जाते हैं, दूसरे दिन आए वापस चले गए। साहबा बड़े परेशान, बड़े हैरान हैं, कहते हैं कि यार लगता ऐसा है कि आका हमसे नाराज हो गए। आका को मना लेते हैं। अब तीसरे दिन आका आए मस्जिद में, जमात करवाई, जाने लगे तो सहाबा ने हाथ बांधे, हाथ बांध के करीम आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर के अर्ज करते हैं, आका हमारे तो कान तरस गए हैं आपकी बातें सुनने के लिए, हमारे कान तरस गए, हमारी आंखें तरस गई आका आपके चेहरे अनवर का दीदार करने के लिए, आका आप से नाराज हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कराए, मुस्करा के अपने साहबा के पास बैठे। किबला जुनेद शाह साहब बड़ी तवज्जो के साथ ये बात समाप्त करनी है, आका तशरीफ फरमा है मिंबर पे, साहबा की आंखें जो उदास थी, जो तड़प रही थी आका को देखने के लिए, वो कान जो आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगु सुनने के लिए तड़प गए थे, आका को ऐसे टिकटिकी की निगाह से देख रहे हैं, अपनी आंखों को वजू कर रहे हैं, अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं और कानों को वो रस घोल के पिला रहे हैं जो आका अलैहिस्सलाम की मीठी मीठी बातों से आता है। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा मैं आपसे नाराज नहीं था, मैं अल्लाह के साथ एक मामला तय कर रहा था, अल्लाह के साथ एक मामला तय कर रहा था। आज की साहबा ने याद किया, अल्लाह वो कौन सा मामला है? तो करीम आकर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन एक तोहफा लेके आया अल्लाह की तरफ से। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कौन सा तोहफा? तोहफा करीम आकर अलैहिस्सलाम के सामने इरशाद फरमाया, वो तोहफा ये था कि रब्बे कायनात ने मेरे पास एक तोहफा भेजा है कि मेरे महबूब को जाके पैगाम दे कि महबूब तेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे पैदा करूँगा जो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे। कितने? 70,000 अफराद ऐसे पैदा करूंगा जो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में एक पैगाम भेजा, रब्बे करीम मैं रहमतल्लिल आलमीन बन के आया हूँ, ये 70,000 बहुत थोड़े हैं। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे मैं कड़ी मिलाना चाहता हूँ, अलावा साहब कड़ी मिलाना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबी जना तक मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूँगा, आगे नहीं चलता। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, रोते रहे रोते रहे रोते रहे, किसी ने पूछा आदम रो रहे हो वजह क्या है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें नहीं पता मैं अपने रब को राजी करने के लिए रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहि सलाम को जिंदान में डाला गया, पूछा गया यूसुफ तो अल्लाह का नबी है तो जिंदान में क्यों बैठा है? तो आपने फरमाया, तुम्हें नहीं पता ये रब की रजा है, मैं रब को राजी कर रहा हूँ, मैं रब को राजी कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहि सलाम को जब